जो मैं रेसिपी लेके आई हूँ आप लोगों के लिए वो है गणेश चतुर्थी स्पेशल मावा मोदक। तो देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आप मुझे देख रहे हैं स्वाति किचन में, जिसकी टैग लाइन है कुक फूड विद लव। आप सभी का मेरी किचन में बहुत बहुत स्वागत है। और वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं और मेरा पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो लाल वाले सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करिए, साथ में बेल के आइकन पर भी क्लिक करिए, ताकि आने वाली मेरी नई नई वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहेंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। और ये देखिए, मैंने कढ़ाई ली है और जिसमें मैंने 1 लीटर दूध को डाल दिया है और इसको अच्छे से बॉईल करेंगे। जब तक ये अच्छे से बॉईल नहीं हो जाता, फिर हम इसका मावा बनाएंगे। और मोदक जो है वो हम मावा से बनाएंगे, तो इसको हम पहले मावा बना लेते हैं दूध का। और ये देखिए, जो दूध है वो अच्छे से बॉईल हो चुका है और यहाँ मैंने गैस को फुल फ्लेम पर कर दिया है और इसको मैं चलाते हुए ही इसको गाढ़ा करेंगे दूध को। ये देखिए, जो दूध था वो रबड़ी जैसा बनने लगा है, तो इसको लगभग मावा बनने में 5 से 7 मिनट और लगेंगे। तो इसको मैं फुल फ्लेम पे ही इसको चलाते हुए मावा बना लेते हैं। और ये देखिए, मावा बनके रेडी हो गया है और इसको बनाने में लगभग मुझे 20 से 25 मिनट लगे हैं और इसको मैंने फुल फ्लेम पे बनाया है। तो यहाँ मैं अब गैस को बंद कर देती हूँ। और ये देखिए, मैंने मावा को निकाल लिया है और अच्छे से ये ठंडा हो चुका है। तो अब हम इसमें चीनी का पाउडर मिलाएंगे। तो यहाँ मैंने चीनी को एक ग्राइंडर में डाल के पीस लिया था, तो मैं इसमें ये 2 टेबलस्पून डालूंगी। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं मीठा। और साथ में मैं यहाँ डालूंगी कोकोनट पाउडर 2 टेबलस्पून और दोनों को अच्छे से मिला लेंगे। और ये देखिए, मैंने दोनों चीज़ों को अच्छे से मिला लिया है। और आज हम जो मोदक बनाएंगे तो वो हम 2 तरीके से बनाएंगे। तो मैं मावा के 2 पार्ट कर लेती हूँ और एक को अलग रख देते हैं। और ये देखिए, मैंने मावा के 2 पार्ट कर लिए हैं और एक को हम अभी अलग रख देते हैं, तो इसको हम बाद में बनाएंगे। और अब मैंने ये एक पार्ट ले लिया है और जिसमें हम इलायची पाउडर मिलाएंगे फ्लेवर के लिए। तो यहाँ मैंने 3 से 4 इलायची को कूट लिया था और इसमें मैं मिला दूंगी अच्छे से। और ये देखिए, मैंने इलायची पाउडर को अच्छे से मिला लिया है। और यहाँ पे मैंने कुछ मेवे लिए हुए हैं जिसको मैंने चॉप कर लिया है, काजू बादाम अखरोट को। आपको जो पसंद है आप वो ले सकते हैं। और ये हम अपने मोदक जो बनाएंगे तो उसमें हम स्टफ करेंगे अंदर। और यहाँ मैंने मोदक बनाने के लिए ये एक मोल्ड ले लिया है, इससे हम मोदक बनाएंगे। तो पहले हम यहाँ पे देसी घी लगा लेते हैं ताकि अंदर से चिपकेंगे नहीं अच्छे से। हम इसको फोल्ड कर देंगे। और हमने जो ये इलायची वाला जो मावा बनाया है तो इसमें ये हम ये लगा देंगे नीचे से, साइड से अच्छे से प्रेस कर देंगे ताकि ये अच्छे से डिजाइन आ जाए। और ये देखिए, मैंने ऐसे करके ये मावा लगा दिया है और जिसमें हमने ये मेवे भर दिए हैं। और ऊपर से फिर से हम ये लगा देंगे मावा, इसको बंद कर देंगे। और ये देखिए, अगर साइड से निकल रहा है तो इसको हम हटा देंगे। और इसको अब हम खोल लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा ये मोदक बनके रेडी हुआ है, ये देखिए। और ये देखिए, इलायची स्टफ मोदक बनके रेडी हो गए हैं। मैं आपको प्लेट में रख के दिखाती हूँ। ये देखिए कितने अच्छे ये डिजाइन बनके मोदक आया है। और जब हम इसको काटेंगे तो अंदर से इसमें मेवे का स्टफ निकलेगा, तो वो बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में। तो इसी तरह हम ये वाले बना के रेडी कर लेते हैं। और ये देखिए, मैंने इलायची स्टफ मोदक बना के रेडी कर लिए हैं। ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में। और अब हम बनाते हैं दूसरे वाले। और ये देखिए, मैंने दूसरा वाला पार्ट ले लिया है मावा का, तो हम इसमें अब फूड कलर मिलाएंगे। तो यहाँ मैंने ये केसरिया कलर लिया हुआ है, तो हम इसमें 2 पिंच केसरी कलर मिला देंगे। तो कल ये हमारे जो मोदक बनेंगे वो कलरफुल बनेंगे, तो इसको अच्छे से मिला देते हैं कलर को। और ये देखिए, मैंने इसमें केसरिया कलर मिला दिया है और ये वाले जो मोदक बनके जो रेडी होंगे वो केसरिया कलर में मोदक बनेंगे। और साथ में मैंने ये लिए हैं सिल्वर स्पार्कलिंग। और साथ में मैंने लिए हैं ये काजू बादाम के पीस, मैंने काट लिए हैं ये लंबे लंबे करके, तो इसको हम लगाएंगे। और ये मैंने एक मोल्ड ले लिया है जिस पर हम देसी घी लगा देंगे और इसको हम बादाम पिस्ता को इसके ऊपर रख लेंगे। हमने पहले वाले जो लगाए थे हमने उसमें स्टफ करे थे और इसमें हम ऊपर से लगिए लगाएंगे। और साथ ही में ये हम इस पर ये डाल देंगे और अब हम इसके ऊपर लगा देंगे मावा।
तो दोनों साइड से ये मैं लगा दूंगी और अब हम इसको फोल्ड कर देंगे। इसको हम जो एस्टर जो निकल रहा है उसको निकाल देंगे और इसके हम यहाँ पे दबा देंगे इसको। और ये देखिएगा कितने अच्छे ये बन के रेडी होंगे। और ये देखिए मैंने नीचे से पूरा अच्छे से दबा दिया है और अब हम इसको खोल लेते हैं। तो ये देखिए, और ये देखिए आप देख सकते हैं कितने अच्छे और कितने कलरफुल ये मोदक बन के रेडी हुए हैं। तो इसको निकाल लेते हैं, ये देखिए। और आप ये देख सकते हैं कितने अच्छे ये कितने कलरफुल लग रहे हैं। मैं आपको प्लेट में रख के दिखाती हूँ। और ये देखिए हमारे केसरी कलर के मोदक कलरफुल बन के रेडी हुए हैं। और ये वाले हमने जो बनाए हैं ये हमने स्टफ मेवे वाले बनाए हैं। और इसी तरह मैं केसरी कलर के मोदक बना के रेडी कर लेते हैं। ये देखिए हमारे मामा मोदक बन के रेडी हो गए हैं। और ये हमने दो तरीके से बनाए हैं, एक हमने केसरी कलर से बनाया है और ये वाले हमने इलायची स्टफ मोदक बनाए हैं। दोनों देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। मैं आपको पास से दिखाती हूँ एक, ये देखिए। और ये देखिए केसरी कलर के मोदक और ये हमारे हैं इलायची स्टफ मोदक। तो आइए अब हम इसकी प्लेटिंग करते हैं। तो ये वाले केसरिया कलर वाले हैं, ये मैं यहाँ रख देती हूँ। और हमने जो ये इलायची स्टफ मोदक जो बनाए हैं तो हमने ये सिल्वर स्पार्कलिंग ले लिए हैं जिसको हम इस पे ये लगा देंगे। ये भी देखने में बहुत ही अच्छे लगेंगे और आप चाहें तो ऊपर से भी लगा सकते हैं। ये देखिए ये भी देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं, इसको भी प्लेट पर लगा लेते हैं। ये देखिए हमारे कलरफुल मोदक बन के रेडी हो गए हैं गणपति बप्पा के लिए। तो आप इसे एक बार ज़रूर बनाइएगा। आप सभी को स्वाति की किचन की तरफ से गणेश चतुर्थी की हार्दिक बधाई। और अगर आपको आज की ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।